आतंकवाद फैला रहा है पाकिस्तान या हकीकत से दूर की बात है? हम प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हम झूठ कह रहे हैं, पाकिस्तान तो आतंकवाद से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, जबकि उनकी अपनी सरकार, उनके अपने प्रधानमंत्री, उनके अपने पूर्व राष्ट्रपति, उनके अपने पूर्व तमाम सैनिक खुद मानते रहे हैं कि कैसे वो आतंकवाद को बढ़ाते हैं और कैसे उसे पालते पोसते हैं। सुमेरा देखिए, पहले तो मैं जनाब शाहनवाज जी को आड़े हाथ लेना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कि क्रिकेट एक जेंटलमैन का गेम है, इनकी जरूरत कैसे होती है अपने आप को जेंटलमैन कहने की? अरे पूरे दुनिया में ये बदनाम है, पूरे दुनिया में इनको टेररिस्ट स्टेट, फेल स्टेट, रोग स्टेट, एक भिगभंगा स्टेट, कटोरा लेके घूम के भीख मांग रहे हैं, इनके गधे तक बिक गए चाइना में और अपने आप को ये जेंटलमैन कह रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं भारत इनको बदनाम करता है। आपने हर जगह के बारे में आपके दिन अगर आप देखें अफगानिस्तान में जो कुछ इन्होंने करतूतें की हैं, उसके बाद अमेरिका ले लीजिए आप, कोई सिवाय एक दो स्टेट जो कि इनके पिट्ठू हैं, उसके अलावा ये पूरी दुनिया में बदनाम है सुमेरा। नहीं नहीं शहनवाज साहब, देखिए पॉजिटिव होने की बात जो आप बार बार कर रहे हैं ना, मैं इस पर भी आऊंगी, मैं हरपाल जी से इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। हरपाल जी, एक बार आप भी बताएं और मैं भी बता सकती हूँ सिलसिलेवार तरीके से कि कब कब हमने मैच को एक बार फिर शुरुआत की। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में की गई, 2004 के बाद इसकी शुरुआत की गई, 2005 में भारत आई पाकिस्तान की, 2006 में भारत की टीम पाकिस्तान गई, ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसके नतीजे में पाकिस्तान ने क्या किया भारत के साथ? जब भारत ने अच्छाई के तहत संबंध सुधारने के लिए रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो हरपाल बेदी जी बताइए, वो कह रहे हैं आप पॉजिटिव बात करिए, पॉजिटिव बात तो हमने करके देख ली ना, उसका नतीजा क्या हुआ? मेरा ये कहने की बात ही नहीं है भाई, रिपीटेड फैक्ट है। आप देखिए 99 से शुरू आ रहा है ये, हमेशा ये इंडिया ही है जो आपने बताए सारे। उसके बाद 2016 में फिर अटैक किया, 2019 में फिर भी भारत खेला। सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम यह है, ये लोग सोचते हैं कि भारत का खेलना कमजोरी है, ये गलत फहमी में, गलत कमजोरी में नहीं है। और अगर ये कहते हैं ना बार बार आईसीसी के पास जाए, आईसीसी के पास जाए, अगर एक बार भारत आईसीसी से चला जाए या उनसे विड्रॉ कर ले, सारा वर्ल्ड कप कलैप्स हो जाए। 2007 में आपने देखा जब भारत क्वालिफाई नहीं हुआ, सारा वर्ल्ड कप कलैप्स हो गया था, जो इतना बड़ा इवेंट है, ये तो T20 है। शहनवाज साहब से मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा गर्व आराम से बोलिए, ये कहना ये आप बदनाम करें, बदनाम करने की ढूंढती नहीं, आप है ही बदनाम, बदनाम का है क्या करना साहब? आपने हर जगह कट्टरवाद, रेडिकलाइजेशन आपने फैलाया हुआ, हर जगह जहर फैलाया हुआ है। अफगानिस्तान आप जहां पर चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, जो आतंकवाद होता है पाकिस्तानी करते हैं, उसमें क्या बात आप कर रहे हैं, इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा अब क्रिकेट पे बात कर लें, आप क्रिकेट को लेकर हैं, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट मैं क्रिकेट की बात करना था शहनवाज साहब, मैं क्रिकेट की बात करना था, आप ही शुरू हुए, आपने आते आते पर शहनवाज साहब बड़ा सवाल ये है ना कि अगर पाकिस्तान मुंह में राम बगल में छुरी, ये साथ में नहीं हो सकता, ये भारत लगातार कहता रहा और पूरी दुनिया को भी अब इसमें साथ आने की जरूरत है, क्या इसी मुद्दे पर आगे बात नहीं होनी चाहिए कि ये? और मैं आपको एक आसान चीज समझाता हूँ, इसको आप जरा काइंडली जरा पॉजिटिव के तरीके से आप इसको जरा अपने माइंड में बिठाइए कि आप देखें जब पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज होती है वहां पे, तो आपको पता है कि पूरी दुनिया बड़ी एक्साइटेड होती है, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच होता है, और उसमें यह होता है कि मतलब एक आप उसको करीब भी ला सकते हैं, दूसरे जो ताल्लुकात हैं उसको भी एक उसकी वजह से आप उसको कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा पहल की है, हमारे ग्रेट इमरान खान साहब ने हमेशा सबसे पहले जब उन्होंने हलफ उठाया तो उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया एक कदम बढ़ाएगा तो हम दो कदम बढ़ाएंगे। लेकिन आप इस चीज को देखें, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, नहीं शहनवाज साहब देखिए यही मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ कि भारत ये करके देख चुका है, ये हो चुका है, ये हुआ है, 2005 में हुआ, 2006 में हुआ, उससे पहले हुआ, उसके बाद हुआ, ये भारत ने किया। जो आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव नोट पे बात करिए, वो हम कर चुके, उसका नतीजा क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, अब हम उससे भी आगे की बात कर रहे हैं, कंप्लीट बैन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्रिकेट से आप बाहर ही कर दीजिए जब तक वो सुधरना चाहे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।